नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं आज इंडिया। ज्वेलरी व्यवसाय की बेटी की शादी समारोह में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली राजस्थान भरतपुर गिरोह के दो सदस्य पुलिस को गिरफ्त में पकड़े गए हैं। आरोपियों से पुलिस ने 27 लाख रुपए नकदी चांदी के आभूषण बरामद कर लिए और अन्य आभूषणों के बारे में पूछताछ जारी है। 40 लाख से अधिक की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और गिरोह ने शादी समारोह में चोरी के लिए नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल करता है। दरअसल मामला हीरानगर थाना क्षेत्र के मदन महल गार्डन में राजेश सोनी की बेटी की शादी समारोह का है, जहां अज्ञात बदमाशों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, जहां गिरोह नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल कर इन घटनाओं को अंजाम देता है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर राजस्थान में इस गिरोह की तलाश शुरू की, जहां भरतपुर इलाके में दबिश देकर पुलिस ने गिरोह के दो सदस्यों को अपनी गिरफ्त में लिया है। पकड़े गए आरोपी गिरोह का अबोध बालक है, वहीं में एक ऑटो चालक भी शामिल था। पकड़े गए आरोपियों से लगभग 2,70,000 नकदी चांदी के आभूषण बरामद किए गए, वहीं लगभग 500 ग्राम से भी अधिक सोना गिरोह के अन्य सदस्यों के पास है, जिनके तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गिरोह राजस्थान के भरतपुर में पूरा परिवार इन चोरियों को प्रदेश के अलग अलग शहरों में ऐसी वारदातों को अंजाम देता है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरोह के सदस्यों की पहचान होने के बाद पुलिस ने राजस्थान में दबिश दी। फिलहाल आरोपियों से अन्य और भी वारदातों के मामले में पूछताछ की जा रही है। आने वाले समय में कई और बड़े खुलासे और चोरी का खुलासा होने की उम्मीद है। सर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, क्या मुद्दा है और किस विषय पर ये पूरी बात? 6 तारीख को थाना हीरानगर क्षेत्र में एक शादी का समारोह था, जिसमें कुछ लोगों ने घुसकर और बैग लिफ्ट कर लिया था। बैग में कुछ ज्वेलरी थी। थाना हीरानगर में इसमें प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। उसके बाद से पुलिस इसमें लगातार लगी हुई थी। कुछ फुटेजेस और कुछ टेक्निकल इनपुट्स हमारे पास में थे। इस आधार पर हीरानगर पुलिस ने और ACP हीरानगर ने काफ़ी मेहनत की और इसमें इस गैंग को पूरी तरह से ट्रेस कर लिया गया है। ये जो गैंग है, ये एक ऑटो से यहाँ पर घटनास्थल पर आया था, जिसमें 6 लोग थे, जिसमें महिला भी शामिल थी और बच्चे थे और भी अन्य लोग थे। इस घटना को प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद में बहुत बारीकी से विवेचना की गई और उसके बाद में पुलिस जो है राजस्थान में भरतपुर पहुंची। भरतपुर में ये बाबरिया गिरोह के संबंध में जानकारी प्राप्त की और बाबरिया गिरोह के लोग इसमें शामिल थे, इस बात की सूचना मिली। तो पुलिस ने इसमें इसका जो गैंग लीडर है उसको ट्रैक कर लिया है और इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभी तक कुल 4 लाख रुपए का माल पुलिस अभी इनसे बरामद कर चुकी है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। बाकी आरोपियों को भी इसमें हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं और इनके तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं वो सब भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर। सर, ये कौन सा गिरोह है, क्या नाम है? इससे जानकारी लगी कि ये गिरोह जो है भरतपुर में है या वहीं से यह गिरोह संचालित हो रहा है? देखिए, जैसे इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, शादी में बैग लिफ्ट करने वाली जो घटना सामने आती है, तो इसमें सामान्य तौर पर बुढ़े से अप्रेंटी के आधार पर हम लोग आगे जाते हैं और फिर इसमें कुछ इनपुट भी हमको मिले, तो इसके आधार पर जो है हम लोग इसमें आगे गए और हमने आगे जाके इसमें आरोपी को ट्रैक किया। सर, क्या नाम है 2 आरोपियों के और कितने लोग पकड़े? अभी हमने इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें रामचरण मेन आरोपी था। अभी हम इसको गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं और अभी जो यहाँ पे जो एक और इसमें ऑटो चालक था जो इसमें घटनास्थल पर उनको लेके आया था, उस ऑटो चालक को हमने भी गिरफ्तार किया है। सर, जब तो सामना थे कि अन्य घटनाएं नहीं, अभी जो घटना हीरानगर में हुई थी हम उसमें लगे हुए थे, हमने उसके ही संबंध में मशरू का जब्त किया। पर ऐसी ही घटनाएं एक होटल प्राइड में हुई है, एक ऐसी ही घटना द्वारका पुलिस थाना क्षेत्र में हुई है, अलग अलग थाना क्षेत्रों में शादी समारोह में घटनाएं हुई है सेम एक दो दिन के भीतर। तो क्या ये गिरोह की संलिप्तता है इसमें, पूछताछ में सामने आया कि इनके साथ के कोई और भी लोग हैं? जैसा मैंने बताया है, इसमें हम लोग अभी तक 6 लोगों को नामजद कर चुके हैं और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बाकी लोगों को भी हम लोग गिरफ्तार करने के लिए प्रयासरत हैं, शीघ्र गिरफ्तार करेंगे और अन्य घटनाओं के संबंध में भी इसमें बारीकी से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। यानी सर, इंदौर में यह गिरोह सक्रिय है, इसके और जो लोग हैं वो?
था। अभी तो ये बात सामने आई है कि ये गिरोह उस समय सक्रिय रहा और उसके बाद फिर यहाँ से भाग गया था वो।